अप्रैल 16 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक है वो अपन डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी साथ में अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में विश्व कला दिवस मनाया गया, विश्व कला दिवस मनाया गया। विश्व कला दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 15 अप्रैल को। ये कब बनाया गया? ये बनाया गया 15 अप्रैल को। ठीक है, ये क्यों बनाया जाता है? ये क्यों बनाया जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक और कला को बढ़ावा देने के लिए, सांस्कृतिक कला को बढ़ावा देने के लिए, चित्र वगैरह जो है इनको बढ़ावा देने के लिए ये बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड देखते हैं। अभी भारत भारत जो है वो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करेगा, मतलब एशियाई एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कौन ऑर्गेनाइज करेगा? ये ऑर्गेनाइज करेगा भारत। ठीक है, कौन ऑर्गेनाइज करेगा? ये भारत करेगा। कब करेगा? नवंबर, नवंबर में करेगा, नवंबर 2020 में। ठीक है, कब करेगा? नवंबर 2020 में। कौन से शहर में करेगा? इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय करेगा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका निर्णय कौन करेगा? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका निर्णय करेगा कि ये कौन से शहर में होगा। ठीक है, कौन करेगा? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका निर्णय करेगा। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं अजय सिंह। अजय सिंह इसके अध्यक्ष हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो है, पूर्व अभी हाल ही में किसी की डेथ हुई है, कौन थे वो? पूर्व आइस हॉकी प्लेयर थे, इनकी डेथ हो गई है। इनका नाम क्या था? इनका नाम था रोजर टेप। रोजर चौपट इनका नाम था, रोजर चौपट। ये पूर्व आइस हॉकी प्लेयर के टीम के सदस्य थे, आइस हॉकी टीम के सदस्य थे। ठीक है, इनकी डेथ किस वजह से हुई है? इनकी डेथ हुई है कोविड-19 की, कोरोना वायरस की डिजीज की वजह से। कोरोना वायरस की वजह से इनकी डेथ हुई है। ठीक है, अब देखते हैं हॉकी फेडरेशन, ये किस टीम से के थे? वैसे टीम किस टीम से खेलते थे? ये खेलते थे स्विट्जरलैंड की तरफ से खेलते थे। किस टीम के खिलाड़ी थे? ये थे स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी थे। ठीक है, स्विट्जरलैंड देश के ये खिलाड़ी थे। अब जाना थे स्विट्जरलैंड के बारे में। स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो है बर्न, राजधानी स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो है बर्न। यहाँ की करेंसी है, यहाँ की जो करेंसी है वह स्विस फ्रैंक, स्विस फ्रैंक यहाँ की करेंसी है।
ठीक है, स्विट्जरलैंड के एक खिलाड़ी थे, खिलाड़ी हैं मतलब स्विट्जरलैंड के एक खिलाड़ी हैं, उनका नाम क्या है? रोजर फेडर। रोजर फेडर ये फुटबॉल प्लेयर हैं। ये फुटबॉल प्लेयर हैं जिनके नाम पर स्विट्जरलैंड देश ने घोषणा की है कि इनके नाम पर 20 फ्रैंक का कॉइन जारी करेंगे, 20 फ्रैंक का कॉइन जारी करेंगे। ठीक है, ये घोषणा की है स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड देश ने। ठीक है, स्विट्जरलैंड देश ने। आगे देखते हैं। आगे है, देखो अपना भारत। देखो अपना भारत ये क्या है? एक वेबिनार श्रृंखला है। ये क्या है? ये एक वेबिनार वेब की एक श्रृंखला है जिसके ऊपर आपको डिटेल मिलेगी, फुल डिटेल किसी भी चीज के बारे में, जो अपने भारत की जो अमूल्य चीजें हैं उनके बारे में फुल डिटेल मिलेगी। यहाँ पे आपको प्रसिद्ध कलाओं के बारे में, प्रसिद्ध देश के बारे में, प्रसिद्ध महलों के बारे में, इनके बारे में देखो अपने भारत में आपको पूरी डिटेल, फुल डिटेल मिलेगी किसी चीज के बारे में। ठीक है, ये देखो अपना भारत किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये स्टार्ट किया गया है पर्यटन मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है प्रेजेंट टाइम में द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हमारे पर्यटन मंत्री कौन है, पर्यटक मंत्री कौन है? ये है हमारे प्रहलाद सिंह पटेल। ये कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। प्रेजेंट टाइम में हमारे जो पर्यटक मंत्री हैं वो है प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ समय पहले पर्यटन मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? स्टैंडर्ड इन इंडिया। स्टैंडर्ड इन इंडिया, इसमें होता क्या था? इसमें है क्या? एक पोर्टल है, पोर्टल है, इसमें एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया था, टोल फ्री नंबर जारी किया गया था। उससे क्या, जो हमारे भारत में विदेशी रह रहे हैं उनको अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल करके वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है COVID-19 से, COVID-19 के नमूनों की फुल टेस्टिंग करने के लिए। उत्तर प्रदेश है वो COVID-19 का फुल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना है।
फुल टेस्टिंग है क्या इसमें? COVID-19 के जो मरीज हैं, पेशेंट जो मतलब जो जो लक्षण जिसके जिसमें COVID-19 लक्षण दिखाई देंगे, उनका इनमें टेस्ट किया जाएगा? एक साथ ही 10-10 टेस्ट कर सकते हैं? अगर सभी के रिजल्ट सही आता है कि जो भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव है, अगर वो सही निर्णय देता है तो इस आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना ये बंद कर दिया जाएगा, जो मैनुअली किया जाएगा। ये एक मशीन है एक तरीके से, ठीक है? आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? यूरोप बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कार्य निर्देशक चुना है। क्या चुना है? कार्यकारी निर्देशक। कार्यकारी निर्देशक की नियुक्ति हुई है, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कार्यकारी निर्देशक की नियुक्ति हुई है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है विरूपाक्ष मिश्रा। विरूपाक्ष मिश्रा। जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें दो बैंक मर्ज हुए हैं। इसमें 2020 में दो बैंक मर्ज हुए हैं। कौन कौन से बैंक? एक तो है कॉरपोरेशन बैंक, और आंध्रा बैंक। ये दोनों बैंक किसमें मर्ज हो चुके हैं इस समय? ये दोनों बैंक मर्ज हो चुके हैं, मिल चुके हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 में, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 नवंबर 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है? और इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? एमडी और सीईओ, एमडी और सीईओ कौन है? यह है राज किरण रॉय। राज किरण रॉय, ठीक है? तो आज की जो करंट अफेयर की क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी पार्ट आपका वीडियो में आपको पसंद नहीं आता है, वो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं, ठीक है?